कृष्णा, ग्रीन्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो, एंड टुडे इज न्यू डे, एंड आज का टॉपिक है दिल की बातें सीधे उनके दिल से. वेल, इट्स ऑल अबाउट दैट वन. आई एम लुकिंग वेरी वेरी फ्रेश. बहुत बड़ी बड़ी काम हो गए हमारे घर के, एंड वी वर बिजी डूइंग दैट, एंड फाइनली थैंकफुली वो सब हो गया. नाउ आवर होम इज लाइक पावरफुल बैंग ऑन जैसे पहले था. ठीक है, तो ये हो चुका है. And I'm really happy about it. And one more thing, you could have gone to the community section. My sister has celebrated her birthday on 19. We had a bit fun, yes. Oh, and that we had done. And I had posted an image to it. I think you could have seen that. Whatever, it depends on. चलिए शुरू करते हैं. Regarding दिल की बातें सीधे उनके दिल से. Well, what is that one? देखते हैं हम. And for this, we have 5 objects over here. Fortune cookie, tarot, एंजल ओरेकल, रिलेशनशिप ओरेकल एंड द लव मैसेजेस. ठीक है, सबसे पहले लेते हैं फॉर्चून कुकीज एंड देन वी विल मूव ऑन टू द लव मैसेजेस. ठीक है, तो चलो फॉर्चून कुकीज का बॉक्स रखा हम साइड में. हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. वे कुछ लोगों को ऐसे पसंद आता है. क्या क्या है ऐसे शफलिंग? मजा आता है लेकिन ऐसे करने में. वाह, मुझे तो ऐसे ही पसंद है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है. यस, ये आ गया है उनके लिए और आपके लिए भी. चुनते हैं, चलो. ठीक, चलो उनके लिए क्या आ गया है वो देखते हैं. वेल, इट्स ऑल अबाउट बर्न आउट. आज उनके लिए आ चुका है बर्न आउट, और वो क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखो बर्न आउट है, एंड बर्न आउट कह रहा है कि भाई योर हैंड वर्क. मेरे मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, जूम इन. Okay, I think now you, yes, it will, it is taking it now, yes. Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. So check in with your doctor, dentist and health professional and try to maintain a healthy lifestyle, okay? तो आज उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि देखो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक काम कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकती है. ऐसा होता है कई बार, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं हम, या फिर किसी बात को लेके परेशान हो जाते हैं. यू नो, अब तक ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम कब होगा, कब मुझे रिलैक्सेशन फील होगा. मीन इट्स लाइक वी जस्ट फील मोर एंड मोर अबाउट इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डोंट फील एनी थिंग यू नो डिफरेंट अबाउट इट. हमें बस बहुत सारी नेगेटिविटी फील होती है, बहुत सारा प्रेशर ऐसा फील होता है कि भाई कब करना है. लेकिन एक्चुअली जब समय आता है एंड जब भगवान खुद आपके साथ होते हैं तो विद इन अ सेकेंड हो जाता है. एक्चुअली आई हैव गॉन थ्रू इट. हमारे एक घर का काम नहीं हो रहा था, एंड आई डिड कनेक्ट विद द डिवाइन, गॉड से कनेक्ट हुआ, एंड फिर प्रे किए, एंड एक्चुअली आई गॉट द आंसर. फील हुआ वो अलग है, आई कांट डिस्क्राइब यू. लेकिन जैसे ही ये हुआ, आई न्यू कि जो नेगेटिव एनर्जी थी वो चली गई. सो एवरीथिंग जस्ट स्टार्टेड टू गेट बैक ऑन ट्रैक एंड बैंग ऑन. तो वो चीज़ें होनी शुरू हो गई. सो दैट्स लाइक इस पर्सन को भी अपने ज़िंदगी में आई थिंक प्रे करने की ज़रूरत है. भगवान से जो रिश्ता है वो वापस से जोड़ने की ज़रूरत है. शायद जो लियो सेगेटेरियस हो सकते हैं कुछ लोग, या फिर पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, ये चार साइन के जो लोग हैं वो शायद से बर्नआउट में ज़्यादा हो सकते हैं. या तो उनका फेथ नहीं है भगवान पे, या फिर थोड़ा सा उड़ गया है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स जो हो चुके हैं उनके ज़िंदगी में, और उसको लेके परेशान हो सकते हैं. बस इनको वापस से फेथ लाने की ज़रूरत है. देखते हैं आपके लिए क्या आ गया है फॉर्चून कुकी, एंड ये है फॉर यू टफ एंड ट्राइंग टाइम्स. ओके, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ यहाँ पे. ओके, टफ टाइम्स अहेड, थिंक लॉन्ग टर्म एंड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली एंड मेक एंड अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट. ठीक है, देखो आपके लिए बहुत ही सिंपल से कार्ड आ गया है कि आपको नेगेटिव पीपल से दूर भागना है. ठीक है, अब टफ टाइम का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि भाई देर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू इंटरसेप्ट इन योर लाइफ, मतलब कई बार हम किसी पर्सन को यू नो अपने ज़िंदगी में आने देते हैं. जस्ट लाइक कल मैं एक मूवी देख रहा था, डायल 100, जो जी में आती है, जी प्रीमियम. तो वहाँ पे एक शॉट था कि एक फीमेल पर्सन दरवाज़ा खोलती है और सामने दूसरे एक फीमेल पर्सन होते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे को जानती हूँ बिकॉज ऑफ माई सन, एंड मुझे आपसे कोई बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो अंदर आती हैं एंड कहते हैं डॉगी से मुझे परेशानी है, तो क्या आप डॉगी को बांध सकते हो? डॉगी को बांधती है, एंड अचानक से फिर वो तेवर दिखाती है एंड गन निकालती है. नाउ बिकॉज ऑफ दैट द वुमन इनसाइड द हाउस कैन नॉट डू एनीथिंग. सो जैसे कि ये एग्जाम्पल हमने लिया कि
कई बार हम अनचाहे लोगों को अपने ज़िंदगी में आने देते हैं एंड देन इट लाइक इट्स अ ट्रबल फॉर अस। सो बस वही बात है, कहीं ना कहीं पे अगर आप किसी ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मान लो कोई आपका एक दोस्त है एंड अचानक से वो नेगेटिव फील कर रहा है, आपको समझा रहा है लेकिन वो आपके ज़िंदगी में नेगेटिविटी डाल रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप उसे दूर हो जाओ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा डॉक्टर का एग्जाम्पल ध्यान में रखो कि डॉक्टर जो होते हैं वो 24/7 आपके साथ नहीं होते, वो आते हैं आपको चेक करते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग यू कि भाई ये कब ठीक होगा, क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करते हैं एंड फिर चले जाते हैं, बिकॉज उनको एक पेशेंट को नहीं देखना होता है, हज़ारों पेशेंट्स होते हैं। जस्ट लाइक दिस, आपको एक पर्सन नहीं है, आपके जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी जीनी है एंड ऑलवेज फोकस ऑन दैट वन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आ गया है रिगार्डिंग द फॉर्चून कुकी। अब इसको कहते हैं दफ्तर बंद या फिर बक्से में बंद करते हैं इसे एंड लेट्स मूव ऑन टू द लव मैसेजेस। हमने कहा कि हम लव मैसेजेस देखेंगे सबसे पहले, सो चलो देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। वाओ, चलो कहते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ये की है मैंने कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, तो चलो देखते हैं, सबसे पहला जो कार्ड है वो है ये, I start missing you the second you leave. जैसे ही आप इन्हें छोड़ते हो, not permanently, ऐसे ही जब आप इनको छोड़ देते हो, like all of a sudden जब you know आप उनको goodbye कहते हो, like उनको लगता है कि भाई I start missing you. Mostly ये लियो हो सकता है, यानी कि फायर साइन के लियो साइजेस हो सकते हैं, या फिर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं पे एरी साइन हो सकता है, लिब्रा एंड जेमिनी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। आप जो भी कहते हैं, जिस भी बात के बारे में आप बात करते हैं, वो इनके दिल पे छप जाती है एंड जाहिर तौर पे ये उसके बारे में बात करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। आपको ये पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग चार्मिंग लगता है, यू नो। अब इट डजेंट मैटर वेदर ए पर्सन बहुत सारा मैच्योर पर्सन है या फिर वॉट नॉट, लेकिन आपके लिए पर्सन बहुत ही दिलचस्प है एंड दैट इज़ द ट्रूथ थिंग। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है अलाउ आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। आपके कारण ये ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया इनको सीखने को मिलता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। आप दोनों को पता है कि आप दोनों मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले दोगे। तो जैसे कि यू नो कई बार अगर आपकी किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यू कैन जस्ट यू नो डू समथिंग अबाउट इट और उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करेंगे और ये इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द टैरो, देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, आप यू कैन सी दैट पहला जो कार्ड है वो है वो सिक्स ऑफ कप्स। वाओ, स्ट्रेट कार्ड आ गया सिक्स ऑफ कप्स। देखा, ये है पूरी तरह से वाटर साइन कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड पाइसिस मीन राशि। ओके, मीन मुझे भी रिजोनेट होता है, सो यस ऑफ कोर्स। देखो, कहीं ना कहीं अगर कार्ड आ गया है और ये पर्सन अगर वाटर साइन का है या फिर ये पर्सन अगर यू नो दिलचस्पी दिखा रहा है किसी ऐसी चीज़ में, तो उसको भी अप्लाई हो सकता है। समवेयर ये पर्सन जो है वो आपके साथ मिलके कोई प्लान आउट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है आप दोनों की दुनिया में, लाइक मे बी किसी का बर्थडे है, किसी का पार्टी बैश है, या फिर आप दोनों को मिलके कुछ करना है, मंडे आ रहा है, सो दैट इज़ समथिंग यू नो यू गोइंग टू डू समथिंग अबाउट ऑन मंडे, कोई प्रोग्राम बनाना है मिलके, साथ में बैठ के मूवी देखनी है, वॉट एवर गोना बी, तो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में हो सकता है। हालांकि इसको लेके प्लान्स तो बना रहे हैं, लेकिन अगर आप ना कह रहे तो प्लान कैसे बनेगा। सो समवेयर आई थिंक ये पर्सन आपकी कंफर्टेबिलिटी देख रहा है। अगर आप कंफर्टेबल है जस्ट विथ हिम एंड यू अलोन, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि ये और इन आपके काफ़ी दोस्त मिलके कोई प्लान आउट करें एंड देन यू शुड हैंग आउट टुगेदर और शुड हैव अ मिनिमलिस्ट पार्टी, तो हाँ वो भी आप कर सकते हो। समवेयर गेट अलॉन्ग टू दैट काइंड ऑफ थिंग एंड आप दोनों मिलके काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, व्हाट आर यू वांट टू एंजॉय। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है एंड ये है
द मैजिशियन, यस द मैजिशियन यहाँ पे कार्ड आ चुका है। दैट इज अ प्योर साइन कि देखो कहीं ना कहीं पर्सन को लग रहा है कि मैं चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। यू नो अगर हम बात करते हैं इनके चॉइसेस की या फिर इनके ज़िंदगी की, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आई शुड डू समथिंग एब्सोल्युटली वैल्यूएबल। यू नो या तो इनको किसी कलीग को कुछ दिखाना है या बताना है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ एंड मैं इस पोस्ट से भी ज़्यादा कुछ काम कर सकता हूँ, या तो इसे अपने कंपनी से बाहर निकल के कोई और कंपनी साइन अप करनी है, फिर अपना खुद का कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। यू नो समवेयर अगर हम इनके बात करें इनके एटीट्यूड की या फिर इनके आपकी तरफ होने वाले लगाव की, तो अगर आप इनसे खफा हो गए किसी भी कारण से तो आपको मनाना चाहते हैं। यू नो लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इनका एटीट्यूड कहीं चला गया है तो आप आई थिंक गलत हो सकते हो। इनका एटीट्यूड आज भी इनके साथ है और ये एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ेंगे। यू नो एक मूवी मुझे याद आ रही है, अनिल कपूर की मूवी थी वो, आई थिंक उसका धक्का लगता है उसकी बीवी, आई थिंक कुछ हो जाता है उसको, ठीक है। एंड देन अ स्टूडेंट वॉज देयर हु वॉज हेल्पिंग अनिल कपूर, तो स्टूडेंट से कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि मानो वो उसके दोस्त थे, लेकिन फिर पता चलता है कि दे वेयर जस्ट फ्रेमिंग अनिल कपूर। सो जस्ट इमेजिन दैट। तो जिससे कि ये एटीट्यूड नहीं छोड़ रहा यहाँ पे कुछ लोग, वैसे ये पर्सन एटीट्यूड नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यानी कि ये पर्सन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ रहा है। नाउ अगर आपका सच में कोई प्लान है कि मेरे फैमिली से हाथ मांगो मेरा वगैरह वगैरह, तो शायद वे रेजोल्यूशन निकाल रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें तो समवेयर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग एल्स। यू नो ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें इस कदर हो जाएं कि इसको सॉल्यूशन मिले। यू नो ये बिल्कुल भी क्या उसे कहते हैं, तकलीफ़ नहीं सहना चाहता। ओके, एंड सेकेंडली अगर कहें तो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये पेंटेकल साइन है, अर्थ साइन है, जो कि है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। देखो टॉरस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला होता है एंड बहुत ही जुनूनी होता है। वर्गो जो होते हैं वो भी जुनूनी होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो जुनूनियत दिखाते नहीं हैं, ठीक है। वर्गो वाले मोस्टली शांत रहते हैं एंड शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दे जस्ट वॉन्ट लिव द वे यू वॉन्ट एंड लेट अदर्स लिव द वे दे वॉन्ट। किसी की दुनिया में खुद ब खुद यू नो डिफ्रेंसिएशन नहीं क्रिएट करते, ये उनकी खासियत होती है। एंड वी टॉक अबाउट कैप्रिकॉन दैट द पर्सन इज़ वेरी वेरी पजेसिव, यू नो, एंड अगर उन्हें कोई चीज़ या कोई व्यक्ति पसंद आ गए तो उनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो नाउ सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ओवर हियर, द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई एग्जैक्टली वो क्या कर सकता है और उसी के बारे में ये सोच सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है फाइव ऑफ कॉइंस। वाओ, फाइव ऑफ कॉइंस आ गया अगेन पेंटिकल्स का, लेकिन हमें इसको क्लियर करने के लिए एक दो कार्ड चुनने होंगे, जो कि हैं द हर्मिट एंड वी गॉट टू ऑफ कॉइंस। देखो अगेन एंड अगेन हमें बस कॉइंस ही दिख रहे हैं एंड वी हैव द हर्मिट, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है। देखो ध्यान से देख लो, यू नो पहले जो मैंने कार्ड्स बताए थे इसके पहले, यस वो था मैजिशियन, एटीट्यूड है, लेकिन ये किसके लिए बताए थे, अगर ये फायर साइन का है तो। लेकिन अगर ये कोई टॉरस और कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन का है तो ये पर्सन आपके साथ जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है। यू नो हमिट है यहाँ पे, यानी कि वो सोल्यूशन निकाल रहा है। मे बी किसी काउंसलर से मिलेगा, फिर अगर हम आपके रिश्ते की बात करें तो शायद आप दोनों मिलके किसी काउंसलर को मिल सकते हैं, या फिर आपकी शादी का प्लान भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है बहुत ही जल्द। यू नो दिस पर्सन वुड ट्राई टू कनेक्ट विद द फ्रेंड्स या फिर ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल हु आर एंगेज इन टू मैरिज रिसेंटली, उनका साथ ये ले सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार से भी मिलने की शायद कोशिश हो सकती है। टू ऑफ कॉइन्स है तो ये पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाएं। अब इसमें डीले नहीं चाहते, टू ऑफ कॉइन्स इज़ वेयर आई थिंक डीले, ये वर्ड मुझे यहाँ पे रेजोनेट हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है डीले वर्ड का। एंड व्हेन वी गॉट फाइव ऑफ कॉइन्स ओवर हियर, तो फाइव ऑफ कॉइन्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, जहाँ पर ये पर्सन जो है वो फाइव कॉइन्स का मतलब है कि द पर्सन कुड बेग। नाउ इट वॉन्ट हैपन डायरेक्टली कि आपके सामने आके वो बेग नहीं करेगा कि भाई प्लीज़ 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 मुझे आपकी ज़िंदगी में आने दो, नहीं, लेकिन ये दिल से वही चाहता है, दिल से यही कोशिश कर रहा है। एंड जो भी इसके फ्रेंड हैं या फिर जो भी इसको मिलेगा, अगर कोई इसे घर पे कुछ पहुँचाने के लिए गया है, वो कहेगा कि भाई वो बंदा जो था या फिर वो लड़की जो थी वो बहुत डिप्रेस थी, सैड थी, ये यूँ ही नहीं कहेगा, वो एक्चुअली देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके ज़िंदगी में, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग दी टैरो, अब इसको रखते हैं हम साइड में। ओके चलो
नाउ वी हैव ओनली टू कार्ड्स लेफ्ट. पहला देखते हैं यहाँ पे एंजल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके एंड लेट्स वी गो. देखो क्या होता है. देखो पहला जो कार्ड है वो है एक्सेप्ट द डिफीट. यस ये कहीं ना कहीं इनके लिए आ गया है. अगर हम इस बात को ध्यान दें और अभी जो मैंने रीडिंग निकाला उसको ध्यान दें तो एक्सेप्ट द डिफीट का मतलब ये है कहीं ना कहीं पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट करना ही होगा कि थोड़ी सी जल्दबाजी हो चुकी है. शायद उन्होंने गलती से कुछ कहा हो आपसे या फिर बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स अगर आप हर्ट हुए हो तो ये पहली बात उनको एक्सेप्ट करनी हुई भी कुछ तो हुआ है. अदर पर्सन कांट गो हैड विच इज दिस काइंड ऑफ थिंग. उसको ये एक्सेप्ट करना ही होगा. यू नो एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कई चीज़ें जो होती हैं हमारे कंट्रोल के बाहर होती है. कोई अगर पर्सन रूट गया तो हम कैसे मनाएंगे. यू नो लेकिन ये तो एक्सेप्ट करना होगा कि वो रूट गया है. किसी ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया रूट गया है तो मनाएगा कैसे. ये बात यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है. सेकंड जो कार्ड है वो है इज दिस योर विश. यस जो भी इनसे आई थिंक मिलने के लिए आ रहे हैं लोग या फिर जो उसके दोस्त है वो पूछ रहे हैं क्या तुम्हारी ख्वाहिश है. ये तुम्हारी ख्वाहिश है या तो उसको सवाल पूछ रहे हैं ताकि इसका जो इसके दिल में जो दर्द है वो जग जाए और आपके पास जुड़ जाए वापस से. या फिर पूछ रहा है सेकंडली क्या तुम्हें यही को चाहिए उस व्यक्ति का साथ. यू नो तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन जुड़ने की तो कोशिश करेगा. और अगर आप दोनों के बीच दूरियां कहीं ना कहीं आ चुकी थी तो ये पर्सन वापस से जुड़ने की कोशिश कर सकता है. कहीं ना मुझे लग रहा है कि आप दोनों में शायद एक रिलेशन कुछ अलग हो सकता है. एंड किसी को डाउट हो सकता है कोई थर्ड पार्टी या कोई एक्स इन्वॉल्व है. हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे के या तो थर्ड पार्टी हो सकते हैं या फिर एक्स हो सकते हैं. मतलब वो और दूसरा तीसरा कोई नहीं आप ही खुद ही हो. यू नो इंसान खुद को ही अलग अलग कैरेक्टर में ढालता है. ठीक है जैसे कि अगर हम किले को देखें तो अगर कोई पर्सन किले के यहाँ पे हो गया तो रखवालदार हो गया. अगर थ्रोन पे बैठ गया तो वहाँ का सिपहसालार हो गया. ठीक है अगर खाना पकाने के लिए तो खानसामा हो गया. तो जस्ट इमेजिन कि एक ही पर्सन अलग अलग रोल निभा रहा है. तो बस वही बात है क्या इसकी विश है रिगार्डिंग यू. नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है ये है राइज एंड शाइन. इस व्यक्ति को राइज एंड शाइन होने की ज़रूरत है. जैसे कि अभी डिफीट खा के गिरने की ज़रूरत नहीं है उसे आगे बढ़ना होगा. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नेक्स्ट कार्ड है वो है पेजेस ऑफ हिस्ट्री. जो भी हिस्ट्री में हुआ है इसको वापस से रिजोनेट करना होगा. देखो गलती शायद किसकी भी हो आपकी हो इसकी हो या फिर आप दोनों ने किसी के बारे में सोचा ही नहीं होगी. नो कई बार लोग एज अ कपल फॉर्मेशन करते हैं विदाउट थिंकिंग. मे बी जस्ट वॉन्टेड टू फील कि किस कैसा होता है या फिर अगर हम किसी का हाथ थामें तो फीलिंग कैसे होती है. इफ़ वी ट्राई टू कनेक्ट विद समबडी दिल की धड़कन कैसे सुनाई देती है. ये उनके दिल में होता है. डजंट मीन उन्होंने कुछ सोचा है कि हम आगे चल के रिश्ता निभाएंगे एंड वी विल हैव पीसफुल 50 ईयर्स टुगेदर. नो दे जस्ट स्टार्टेड समथिंग जिसका उनको कोई तजुर्बा ही नहीं है. ओके फिर आगे क्या होता है वो कोई नहीं कह सकता. एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है आपके लिए वो है आई विल बी पेशेंट. ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये पर्सन को पेशेंट रहने की ज़रूरत है कि अगर इसने पेशेंस लूज़ किया और गलत मोमेंट पे गलत तरीके से आपकी तरफ अप्रोच किया तो चीज़ें और बिगड़ भी सकती हैं. सो इस पर्सन को पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है. एंड फाइनली हम देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. द फर्स्ट वन जो कि है लीडर. इस पर्सन को लीडरशिप की ज़रूरत है. पहले भी इस पर्सन ने जिस तरह से अपने रिश्ते को निभाया था वो इसको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको इसने निभाना ही होगा. सेकंड जो कार्ड है वो है स्ट्रॉन्ग मेल. इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है. ओके अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है तो वापस से गलती कर रहा है. ठीक है थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है कंपटीशन. समवेयर इस पर्सन को अपने आप को ही कंपटीशन देने की ज़रूरत है. जो पहला था एज अ लवर और जो आज है उसमें काफ़ी फ़र्क है. नेक्स्ट कार्ड है वो थिंग्स मूविंग क्विकली. चीज़ें बहुत ही जल्द हो रही है और इसको इसके बारे में सोचना ही होगा. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन. तो फाइनली थिंक आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल अट्रैक्शन हो सकता है लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है. हालांकि चीज़ें काफ़ी बेहतरीन नजर आ सकती हैं. ये था आज का रीडिंग. आप इट रिजोनेट. थैंक यू. साइनिंग ऑफ मैनी टैरो.